कैमरा। ये था, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी लास्ट माइनस क्वेश्चन है ए ये। सी इज इक्वल टू जीरो, हाँ देन हाँ प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो। ओके ओके ठीक है, बताते हैं वापस से। तो आपके साथ इतनी सारी किताबें क्यों रखी हैं शेखर का मटेरियल है सर, यार? सेट है तो नहीं पर दे रहे ना वो सर, 9th क्लास ऑफिस की। में बैठे होंगे। हाँ ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं यार कौन सी क्लास है, सारी क्लासेस के हैं वैसे, ये मेरे को याद नहीं है। मिल गया होगा आपको सभी को तो मॉड्यूल। ठीक यस है, सर, देखो ऐसा पूछ क्वेश्चन लो ये बस था, मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। हमें प्रूफ करना था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, देखो यार आइडेंटिटी में भी तो समझाया था ये आपको, कि जैसे एक आइडेंटिटी बताई थी ना आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो उसका फॉर्मूला बताया था आपको। एक फॉर्मूला तो क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना? अरे आपने और लास्ट करा दिया था। अच्छा करवा दिया, कोई पूछ रहा है तो वापिस से बता रहा हूँ। और उसके लिए मैंने आपको एक और दूसरा फॉर्मूला बताया था, उसमें 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वहां पे भी तो देखो मैंने इंटू टू और डिवाइडेड बाई टू किया था, तो सेम ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने क्या करा, टू से मल्टीप्लाई करा और टू से डिवाइड करा। तो जो टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको पूरे सबसे मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि वो अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा। तो कितना आएगा, टू ए स्क्वायर और टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी एंड माइनस का टू ए सी इक्वल टू जीरो। अब ये 1/2 तो इधर जीरो में शिफ्ट हो जाएगा, तो आप देखो क्या होगा, बस इसके बाद की बात आपको समझ नहीं आएगी शायद। देखो ए स्क्वायर को आप ब्रेक कर, टू ए स्क्वायर को ब्रेक कर लो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में, इसको कैसे ब्रेक करोगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में, और इसको सी सर स्क्वायर आपने और जो सी स्क्वायर में। स्टार्टिंग में प्रूफ कराया था ना उसमें ये भी बताया था ब्रेक करना। तो कह तो रहा हूं मैं, कोई बात नहीं वापस से बताते हैं। अब इधर देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना होता है बताओ, ए ए माइनस बी माइनस का। बी ए का होल माइनस बी, स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब देखो ए स्क्वायर और माइनस टू ए सी और सी स्क्वायर ये कितना होता है, ए ए माइनस सी माइनस का सी होल होल स्क्वायर स्क्वायर और ए चौथी माइनस सी कहाँ होल गया स्क्वायर सर, टू कहाँ गया? सी स्क्वायर, घूमने गया वो, सी स्क्वायर अरे बी स्क्वायर माइनस का टू बी सी ये कितना होगा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी अरे माइनस वन सी का बाई होल टू को उधर स्क्वायर जीरो में शिफ्ट कर दिया, जीरो हो गया ना वो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे, वरना हो सकता है कि जीरो कभी भी, किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो हो सकता है बताओ आप, किसी भी नंबर का नो होल सर, स्क्वायर जीरो का ही स्क्वायर जीरो होता है बस तभी पॉसिबल नहीं सर। है। ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा और तीनों जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों को सर जीरो आप कर फिर से देंगे। बता दीजिए अरे यार एक तो लास्ट क्लास का रिपीट कर रहा हूँ, फिर से इसको वापस से बता दो, एक ही सर, क्वेश्चन करते ये रहो बार बार। सर सर वो सर पिछली क्लास रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं सब सर, सर ये फिर आप सर आप पिछली कैसे क्वेश्चन बता की सब सकते नहीं हैं? समझ पाए सर सब लास्ट वाले बच्चे क्लास में पूछ सर रहे एक हैं। और सर एक और क्वेश्चन बताया था ना सर, मेरी बात सुनो, तो अभी भी समझ नहीं आया मेरे से पूछना। अपन सर एक क्वेश्चन को बार बार सर रिपीट नहीं बस करेंगे एक एक क्लास में यार, है सर ना? मुझे एक क्वेश्चन पूछना सर, हाँ सर बस बोलो। ये प्रीवियस समझ लाइन में की आया, कहाँ ए है, स्क्वायर छोटा प्लस सा ही बी है स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो क्यों आया? जीरो क्यों है, अरे 1/2 तो शिफ्ट हो गया ना जीरो में, जीरो नहीं इंटू सर, समथिंग। ये तो आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर ये वगैरह वगैरह इक्वल टू जीरो पे, इसके बाद आपने लिखा ना इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल आया टू नहीं है, ये जीरो समझा रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी तीन नंबर का स्क्वायर जो है वो जीरो तब पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। ये आया नहीं है भाई, ये मैंने आपको समझाया है कुछ, तो यहाँ भी ये सर। आप जीरो बता होंगे। सकते हैं सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओके प्लस सर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे आया? ये कहाँ से आया, समझा तो रहा हूँ, देखो अलग अलग कलर लेके समझाया कि ताकि आपको समझ आए ठीक से। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और बी स्क्वायर ये क्या बनाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो फिर मैंने ग्रीन से बता रखा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का टू ए सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। भाई पूरा कलरफुल समझा रहे हैं आपको ताकि आपको समझ आए, इससे सर ज्यादा क्या बताएंगे बताओ। इसे आइडेंटिटी के हिसाब से मतलब प्रूफ करना है या फिर किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? क्वेश्चन आइडेंटिटी की चल रहे हैं। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जिसको अभी भी नहीं आया मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी एक और सा क्लास में छोटा सा क्वेश्चन है सर। बोलो। सर लास्ट क्लास में आपने बताया था 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल टू 6, तो सर 2x प्लस वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालनी सर। अभी सर आ जाएगा वापस से क्वेश्चन, शायद अभी भी दे रखा है मैंने। हाँ तो क्या था उसमें, सर मेरा भी सर इसमें क्वेश्चन सर है। ये 2x + y निकालना है सर। हाँ तो निकालना था ना, उसका आंसर आ रहा था शायद प्लस माइनस 8 आ रहा था, क्या दिक्कत है उसमें, नहीं आया थोड़ा आपका? सर
बाद में बता देना सर, अभी बता देते हैं। देखो ये 4x2, इसको करो पहले सभी, 4x2 प्लस वाई स्क्वायर ये क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को करना है आपको, बताओ बाकी सभी इसको करके देखो। और कंडीशन एक और दे रखी थी xy इक्वल टू 6, हमें निकालना था 2x प्लस y कितना आएगा, है ना। तो मैंने आपको कहा 2x प्लस y निकालने के लिए आप इसका होल स्क्वायर निकाल लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, कितना आएगा 4x2 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b होता है, तो 2 इंटू 2x इंटू y, ठीक है। अब इसके प्लेस पे तो वैल्यू दे रखी है कितनी 40, वो पुट कर दो, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है सर, उसका आंसर आ गया 9 आ गया आंसर, 40 प्लस 24 कितना हो गया बताओ 64, तो 4x2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि सॉरी ये किसकी वैल्यू आई 64, 2x प्लस y का होल स्क्वायर आया, हमें 2x प्लस y चाहिए, 2x प्लस y2 तो प्लस 9 आ गया सर इसका आंसर, इसका आंसर 9, हां सही है, ठीक है ओके सर ओके, इसका आंसर 9 आ गया सर, सर 9 आ गया, 9 आ गया सर, उसका 9 आ गया, 9 है। तो आप इसका फायदा मत उठाओ यार, वरना मेरे को फिर से वो करना पड़ेगा, एक एक करके बोलो, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ पर एक एक करके बोलो सर, आप सर एक बार सर बोल दो सर आंसर क्या है, तो सर फिर हम बोलेंगे नहीं, इसका आंसर 9 है बता तो दिया, इसका सर आंसर क्या है सर इसका 9, इसका आंसर 9 है, मेरी बात सुनो ओके सर, 7 सर सब लोग सर सर एकदम सर 101 होके बोलते सर, पे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं बताओ मेरे को, सुन लो चलो, 7.83 का होल स्क्वायर माइनस 1.17 का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 6.66। अब आप चेक करो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कितना होता है, ए प्लस बी 9.09429, बताओ कितना शानदार आंसर आया इनका, कहाँ से लेके आए हो भाई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो वो कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है भाई 9 सही है बोल तो दिया, तो अप्लाई कर दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 7.83 प्लस 1.17 इंटू 7.83 और माइनस 1.17 होल अपॉन 6.66, देखो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, और इसको माइनस करने पे बहुत सारों ने पता नहीं क्या किया इसमें, इसको जब आप माइनस करोगे तो 6.66 बनेगा, देखो करके देख लो ना, 13 माइनस 7 कितना होता है 6, 7 माइनस 1 होता है 6, और 7 माइनस 1 होगा 6, तो ये हो गया 6.66, और नीचे भी वही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है नो दिक्कत, चले आगे और क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, इसको निकालो सर, 9.09909, वाह भाई बहुत बढ़िया आंसर है, ये सबसे अच्छा आंसर यही है बस, और दूसरा सर कर रहे हैं सर, मेरे क्वेश्चन है बता दें, हाँ हाँ पूछो बता रहा हूँ सर, 7 है ना सर, 7 आ गई सर, 7 आ गई सर, 7 आ गई, 7 आ गई, ठीक है इसका आंसर 3 और 7 आ गई, बताओ बताने की जरूरत है क्या इसको, नो सर नो सर, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, मेरा मॉड्यूल में से क्वेश्चन है, बोलो क्या सर, एग्जांपल 21, अरे भाई जब मैं मॉड्यूल डिस्कस कराऊंगा ना आपको तब पूछ लेना यार, अभी मॉड्यूल निकालना पड़ेगा फिर पूछोगे, मेरे क्वेश्चन कर लो आप पहले और फिर उसके बाद में भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते मॉड्यूल के, तो फिर मेरे से फिर से पूछ लेना, अभी क्वेश्चन अलग करा दीजिए, मानोगे नहीं आप, कौन सा क्वेश्चन, रुको एक सेकंड, मैं मॉड्यूल की नहीं बोल रहा सर, इंग्लिश बोल रहा हूं जो आप, सर एक मिनट के लिए पिछला वाला क्वेश्चन दिखा देंगे सर, नंबर 20 सर, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा सर, वो आप बाद में बता देना सर, आपने अभी दिया ना वही वाला बोल, यार 20 में क्या था, मेरे से जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा था ऐसे तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, 21 21 सर आप पहला दिखा देंगे,
आ जाते क्वेश्चन करा है 21 वाला, ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन था सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ सर, एक बार देखा तो करो, आप मैंने जो पढ़ाया उसमें मैच तो कराया करो नोट्स के अंदर कि है कि नहीं है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में करवा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन टू जो ऊपर लिखा है समझा देंगे। अच्छा उसको बताना है, चलो पहले इसको करो, बता देंगे उसको भी। इसका आंसर बताओ सभी। सर इसका आंसर, सर सर ऊपर वाले का आंसर 3 और 7 है। अरे 36 है कि 3b है सर? मैं बताऊं, ये 3b है। मैं बताऊं सर, 8 टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस 20 सॉरी सर 81 सर 8 टू द पावर 4 अपॉन 4 अपॉन 16 और 3 प्लस सर माइनस 81 पावर 4 81b4 8 टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस माइनस 81 रेज टू बी रेज टू पावर, जिसको नहीं आया उसको बता देते हैं सर। पैटर्न चल रहा है सर, इजी था। हाँ इजी है, देखो इसको बहुत सारे सर बस आपने सर ऑर्डर चेंज कर दिया था। 4 अपॉन 16 प्लस 81 बी की पावर 4। नहीं मेरे को से सुन लो ना, ठीक है मान लिया आपको आता है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे वो भी तो है जिनको नहीं आता, उनको भी तो पढ़ाना है, ठीक है? तो देखो बहुत सारे को प्रॉब्लम ये हो रही होगी, सर यहाँ तो ए माइनस बी मेरे को दिख गया, इसका क्या करूँ? तो भैया 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, एक ही बात होती है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ए बाई 2+3 भी लिख लो, ठीक है? और ए स्क्वायर अपॉन 4+9b² लिख लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब चेक करो, देखो ये हो गया पूरा ए माइनस साइन बी, ये पूरा हो गया ए प्लस बी इंटरचेंज। वाह, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4-9b², ठीक है? मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे चेक करो, देखो ये पूरा तो चेंज हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया मतलब, और ये बचा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन 4+9b². यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस 81 बी टू द पावर 4, ये इसका आंसर है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लो, देखो इसमें क्या करोगे, स्क्वायर वाला पूछा है, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 5 है ना, और यहाँ कितना बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 5, इस 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे आप क्या करना, इसका स्क्वायर कर दो ना, ये जो आप आया ना इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 में आ जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करना पावर 4 वाला, ऐसे क्वेश्चन करवा के आया मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ए प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी टू द होल स्क्वायर, ये बताओ। करो भाई सब ट्राई करो उसको एक बार। सर प्रीवियस स्लाइड यार, मैक्सिमम तो यही करते रहते हैं, प्रीवियस आगे वाली प्रीवियस आगे वाली। आपको नोट्स मिलते तो हैं ग्रुप पे, ऐसा हुआ है कभी आज तक जो आपको नोट्स नहीं मिले हो कभी भी? फिर आप स्लाइड के पीछे क्यों पड़े रहते हो? सब मिलेगा आपको, अगर आप लिखने में रह जाते हो तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स फिर से मिल जाएंगे पूरे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करा करो, ताकि आप क्या करो क्लास के साथ चल पाओ, ना कि आप लिखने में रह जाओ। भाई लिखा हुआ तो सारी बुक्स में है, ठीक है? लिखने पे ध्यान मत दो आप, समझने पे ध्यान दो। टू ए स्क्वायर प्लस 2b² + 2c² + 2bc, नहीं लास्ट वाला गलत है, 2bc नहीं आएगा यार, उसको चेक करो, बाकी सही है आगे का। तो बोलो किसी का आया नहीं बी सर? सर यस सर, वाला क्वेश्चन है सर, उसमें भी ab + 4ac इसका आंसर यह है 2a² + 2b² + 2c² + 4bc। प्रीवियस वाला बता दीजिए सर, प्रीवियस वाले में क्या है बताओ मेरे को, क्या बताना है इसमें सर? मेरा सही है
सर टू का सर ये लास्ट टाइम समझ में नहीं आई है थोड़ा सही है फिर बोलोगे थोड़ा सर लास्ट सर टू का सेकंड पार्ट टू का सेकंड पार्ट अरे यार इसका स्क्वायर कर लो ना इसका स्क्वायर करोगे नाइन आएगा नाइन में से टू माइनस कर देना इसका स्क्वायर सर थर्ड का लास्ट स्टेप बता दो ये कौन है जो पहले इतना तेज बोल रहा है पहले नाम बताओ उसका मैं आपको म्यूट ही रखूंगा इतना तेज बोलोगे तो यार धीरे बोलो बहुत तेज बोलते हो आप ठीक है थोड़ा सा है ना अपने माइक को दूर करके बोला करो देखो इसका आंसर है ये कैसे आया देखो यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लो कितना होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू ए सी ठीक है अब यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आप a की फॉर्मूला याद रखा करो जहां पे माइनस साइन आ रहा वहां माइनस साइन पुट कर देना तो इसको कैसे लिखोगे देखो ए स्क्वायर प्लस साइन माइनस का बी क्योंकि यहाँ माइनस बी है तो हम लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर ठीक है फिर प्लस साइन फिर माइनस सी स्क्वायर ठीक है अब आता है प्लस का टू ए बी लेकिन माइनस का बी है तो हम लिख देंगे प्लस टू ए माइनस बी विद साइन करना है आपको फिर प्लस टू माइनस बी माइनस सी फिर प्लस टू ए माइनस सी अब इसको सोल्व कर लो बस कितना होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी और माइनस का टू ए सी ठीक है सही है जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दो खत्म और ये भी उड़ गया ए स्क्वायर कितना हो गया टू ए स्क्वायर और ये टू बी स्क्वायर और टू सी स्क्वायर टू बी सी फोर बी सी हो गया ठीक है आगे लिख रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड मत करना मिल जाएंगे आपको नोट्स ठीक है आगे चलते हैं वरना आपके जो टेस्ट में आने वाला है वो रह जाएगा फिर इस क्वेश्चन को करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इसको आपको ट्राई करो और आंसर बताओ प्रीवियस पेज क्वेश्चन लिख लिया आपने ये आया किसी का आंसर सर 4ab प्लस 4ac यस सर 4ab प्लस 4ac ठीक है इसका आंसर है 4ab प्लस 4ab और ab प्लस 4ac हां कैसे भी बोलो 4ac प्लस 4ab बोल दो एक ही बात ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको सर आप चैट बॉक्स ही डिसेबल कर दीजिए सर स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन सेटिंग्स ये वाला एक्सप्लेन सर म्यूट पे हैं अरे पता है यार मेरे को सर हमको कैसे मालूम कि आपको पता है कि आप म्यूट पे हैं सर ये क्वेश्चन है करो इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 एंड ab प्लस ac प्लस bc इक्वल टू 40 then find a square plus b square plus c square ये निकालो इसका आंसर बताओ सब ऊपर वाले करा दी ऊपर वाला भी करवाएं पहले वाला क्वेश्चन समझ आया ना सर 49 सर 1 पहले वाला बस जो कटे थे सर बस वही ऐड हो गया 1 है इसका आंसर 1 सर 1 है इसका आंसर सर 1 आ रहा है सर 81 माइनस 81 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी
अबे ना आप 2ab 2bc 2ac अगर उनसे 2 कॉमन ले लो ज्यादा बेटर रहेगा है ना सर वो 80 हो जाएगा अपने आप 40 की जगह यहाँ पे देखो ये कितना दे रखा अपने को 9 यहाँ पुट कर दो 9 स्क्वायर और ये तो अपने को निकालना ही है यहाँ से यहाँ तक का टर्म तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और इस पूरे के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 40 कितना हो गया 40 इंटू 2 80 हो गया और यहाँ पे ये 81 है इट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा 1 ठीक है चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस में ऊपर वाला तो बता दीजिए यार आप कर नहीं सकते क्या उसको बताओ सर वो सिंपल है सर वही पिछले वाला जैसा है ठीक बताओ आपको जो करते थे सर बस वही ऐड हो जाएंगे हां ऐड कर दो सारे क्वेश्चन करवाओगे मेरे से कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाते हैं कुछ से करने होते हैं ठीक है नोट्स बना रहे हो आप तो क्वेश्चन दो चलो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तब तक आप करो उसको x to the power a upon x to the power b a square plus ab plus b square और x to the power b upon x to the power c b square plus bc plus c square और x to the power c upon x to the power a c square plus ac plus a square इसको आपको equal to one proof करना है सर आ गया सर वन आंसर आ गया सर बहुत इजी क्वेश्चन था सर आरडी शर्मा का था Yes. हाँ बहुत बढ़िया बात है चलो पता है तो आपको ठीक है देखो भाई इसको सोल्व कर देते हैं इसको लिखोगे आप कितना हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा अपने पास में माइनस का टू ए बी और ये आएगा प्लस का टू बी सी और माइनस का टू ए सी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है माइनस का साइन हटा के सोल्व करना तो आता है ना अब वो भी नहीं आता तो फिर क्या बताए बोलो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा है ना बहुत सारे को वैसे आंसर आ गया लेकिन मेरे को पता है इसमें प्रॉब्लम आई होगी बहुत सारे को क्या प्रॉब्लम आई होगी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना नहीं आया होगा है ना यहाँ आप चेक करो यहाँ कितना है बेस एक्स है और पावर ए और बी लिखा हुआ है इट मीन्स अगर बेस सेम होता है तो पावर डिवाइड में क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है तो इसको लिख देंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी ठीक है और यहाँ कितना हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर से यहाँ चेक कर देखो बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में सब्ट्रैक्ट तो एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ठीक है यहाँ चेक करो देखो बेस सेम है फिर से तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर अब प्रॉब्लम इसके बाद आई होगी करे क्या है ना तो देखो भाई इसके बाद आपको तभी आ पाएगा जब आपको आइडेंटिटी सही से याद होगी सारी तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे ये पूरी एक आइडेंटिटी है कौन सी वाली है मैंने आपको लिखवाई थी ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है देखो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना तो देखो ये पूरा वही तो लिखा हुआ है तो क्या इस पूरे के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू बोलो सेम यहाँ पे चेक करो इनटू का साइन ये पूरा भी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है कौन सा बी क्यू माइनस सी क्यू तो एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इनटू फिर से एक्स लिख दो और ये पूरा क्या है फिर से आइडेंटिटी कौन सी सी क्यू माइनस ए क्यूब तो सी क्यू माइनस ए क्यूब लिख दिया अब देखो फिर से इन तीनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में एड होती है अगर बेस सेम होता है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में एड होती है तो हम लिख देंगे एक बार एक्स और इन सबको एड करके लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब ठीक है कैंसिल आउट कर दो देखो ए क्यूब उड़ गया बी क्यूब सी क्यूब से सी क्यूब यहाँ आएगा एक्स की पावर जीरो और किसी की भी पावर जीरो कितना होता है वन तो इसका आंसर है वन ठीक है मतलब ये तो प्रूफ करना था आंसर क्या प्रूफ है ये तो लिख दो हैंस प्रूफ ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है क्या होगी ठीक है किसकी एक तो आपको बताना है 3x माइनस टू वाई
टू द पावर 3, मतलब 3x माइनस 2y का होल क्यूब है ना। एक तो इसका बताना है आपको। देखो मैंने जितनी भी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई ना सबको कवर कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप करते जाओ सब मिल जाएगा आपको। 1 अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन 5y का होल क्यूब, एक आपको ये बताना है। और अपने आंसर कैसे बताओगे बताओ, चैट बॉक्स तो डिसेबल है, और अगर आपको अनम्यूट कर देंगे तो सब एक साथ बोलोगे, कैसे बताओगे? हाँ ऐसे बताओगे, अर्श तिवारी की तरह। क्या आंसर है? दिख नहीं रहा यार मेरे को। आया किसी का आंसर? अच्छा मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, एक एक करके बोलना, पहले फर्स्ट का आंसर बताना, पहले फर्स्ट का आंसर। सर 9x स्क्वायर नहीं सर, सर स्क्वायर पढ़ लिया है वो क्यूब है, माइनस का 8 है वाई क्यूब, सर सर माइनस वाई क्यूब माइनस 36 सर, सबको सर फिर से सेकंड वाले का है 1 अपॉन 27 का क्यूब सर, से प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यार। एक चीज बताओ पहले तो मेरे को, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगे, एक चीज बताओ ये प्रीवियस स्लाइड का क्या चक्कर है? आप स्पीड क्यों नहीं पकड़ पाते, बार बार प्रीवियस स्लाइड क्यों करते रहते हो? 3x minus 2y, 9x square plus 4y square plus 12xy. इसको पूरा आप सही से करके बताओ, ये किसका आंसर दिया आपने? ये तो आंसर है नहीं, इसमें नहीं है ये आंसर, ठीक है नहीं है ये आंसर। एक सेकेंड मेरे पास गलत दिखा हुआ है, चलो चेक करते हैं प्रीवियस स्लाइड में क्या है सब, मेरे को बताओ। जब आपको बोल दिया नोट्स मिल जाएंगे आपको फटाफट, अगर किसी का रह जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो बताते हैं, देखो a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? तो आपको मैंने बताया होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, है ना, माइनस 3 इंटू a के प्लेस पे कितना है 3x इंटू 2y इंटू 3x माइनस 2y, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, x का क्यूब कितना होता है x क्यूब, तो 27 x क्यूब, ऐसा तो आंसर आ नहीं रहा था आपके किसी का, है ना। इसके बाद में 2 का क्यूब कितना होता है 8, और y का क्यूब कितना होता है y क्यूब, तो माइनस का 8y क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो नंबर्स को, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, तो आएगा माइनस का 18, और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई, ठीक है, और ये कितना हो गया 3x माइनस 2y। अब आपको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना है, देखो इसने बोला था एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक से दिख नहीं रहा आ रहे मान मेरे को, तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग क्या है आपको पूरा सही से लिखना है। तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 18 इंटू 3 कितना होता है माइनस का 54, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा एक्स स्क्वायर वाई 54, हाँ सही है माइनस 54 एक्स स्क्वायर वाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36 एक्स वाई स्क्वायर, सही है सही है। सेकंड वाला क्या बताओ, स्तवे शुक्ला सही है आपका आंसर, सेकंड वाले का आंसर बताओ। हाँ सही है ये आंसर तो आएगी आप, तो सेकंड का बताओ आप, तो फर्स्ट का तो आ गया। सेकंड का आंसर लिख देता हूँ मैं, चेक कर लो अपना आंसर। ये भी देखो यहाँ पर भी a माइनस b का होल टू लगेगा, इसका आंसर है 1 अपॉन, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन 125 वाई क्यूब एंड माइनस 2 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 अपॉन 25 एक्स वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगर किसी का आंसर आ रहा है कैन नॉट राइट ऑन लैपटॉप, क्या बोलना चाहते हो मत लिखो लैपटॉप, ये आंसर आया किसी का आया?
यस सर आ गया सर, मेरा दोनों आ गया सर, यस सर सर लेकिन अरे सर आ गया सर, आपने सर क्लियर भी कर दिया सर, माइनस टू वाई क्यों नहीं पुट किया सर, उसमें माइनस टू वाई लिखा है ना सर, कहाँ पे थ्री ए बी की जगह सर वो बी की वैल्यू माइनस टू वाई है ना सर, हाँ माइनस टू वाई नहीं होती, ओनली टू वाई, बी के प्लस पे कितना है टू वाई, माइनस तो फॉर्मूले का साइन है, ठीक है तो देखो सर, आपने बताया था ना सर पहले सर, अपन उसको सेम ले सकते हैं माइनस को, वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बताया था, क्योंकि इसके अलग अलग फोर b plus c का होल स्क्वायर अलग होता है, ये तो खुद का फार्मूला दो स्लाइड पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा दो स्लाइड पहले, यार क्या करते हो आप बार-बार स्लाइड ही करवाते रहते हो आप आगे पीछे मेरे से, अब जब ये क्वेश्चन करा रहे हो तो आप पीछे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस टाइम कहां थे सारे बच्चों के रेज हैंड, अरे भाई तो अभी तो आपको अनम्यूट कर रखा ना, रेज हैंड का क्या मतलब होता है, सही वाला वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, चलिए मेरी बात है ना, आप मेरे को भी समझो, जब मैंने आपको कह दिया कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे नोट्स मिल जाएंगे तो आप बार बार उस चीज के पीछे क्यों पढ़ते हो सर, और वो सर वो क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन के लिए बोलो, ऐसे बार बार पीछे लिखना रह गया ये हो गया ये गलत बात है, देखो यार इससे ना तो आप लिखना नहीं रह गया, वो क्वेश्चन ही पूछना था, क्वेश्चन के लिए बोला एक बार आप सेकंड वाला सॉल्व करके दिखा दो, कौन सा क्वेश्चन है इसमें बताओ सर, ये ऊपर वाला सॉल्व करके दिखा दो, इसको सोल्व करके बताएं सेकंड वाले को सर, सेकंड वाले को वाला, हाँ हाँ जो अभी आपने दिखाया, इसको बताना है कि किसी को, ये आ गया माइनस डी डी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी वाला, यस सर इसको बताना है, नो सर बता दो, ओ सर मेरे को बताना, चलो तो फिर म्यूट ही कर देते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है इसके बाद में क्या है, देखो माइनस साइन है तो आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी एंड प्लस टू ए सी, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कट कर दो यार, ये देखो सब उड़ गए हैं, तो उड़ने के लिए बने हैं तो, और माइनस टू बी सी ये कट गया, अब क्या बचा टू ए बी फोर ए बी टू ए सी फोर ए सी, क्या दिक्कत है इसमें, इजी क्वेश्चन है यार, बताओ ऐसा क्वेश्चन जब पहले फर्स्ट करा दिया सेकंड आपको आना चाहिए, देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3x है ना, और बी की वैल्यू कितनी है, ये देखो इस माइनस के चक्कर में मत पढ़ो, ये तो माइनस फॉर्मूले का साइन है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, वहां बताया था मैंने आपको कि देखो वहां इसलिए मैं आपको बता रहा था जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने आपको रटवा दिया है ना, अब होने में ऐसा भी हो सकता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप कितने फॉर्मूले रटोगे बताओ, इसलिए मैंने आपको बोला आप ओनली एक को याद कर लो, जहां पे भी माइनस आया उसमें आप माइनस लगा देना, अगर आपको ये बात अब समझ नहीं आई तो फिर समझो बताओ आप इस चीज को, है ना, एक फॉर्मूला याद करो जहां पे माइनस है वहां माइनस लगा दो, सारे फॉर्मूले रटोगे आप तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, तो यहाँ चेक करो, देखो a की वैल्यू है 1 अपॉन 3x और b की वैल्यू है 2 अपॉन 5y, ठीक है तो बस लगा दोगे यार, या बताएं लगा देना यार a माइनस बी का होल क्यूब लगा देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b, कर लेना हो जाएगा वैसे क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, इसके बाद है सिंपलीफाई, देखो अगर आप सारे क्वेश्चन पूछोगे ना तो जितने क्वेश्चन मेरे को लगता है कि एक दिन में मेरे को इतने क्वेश्चन तो करवाने हैं, इतने क्वेश्चन डिलीवर करने हैं आपको, तो फिर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे अपने आप, ये देख लेना आप, क्योंकि कोर्स आपको टाइम पे भी करवाना है, सर कैन यू अनम्यूट मी, हाँ करेंगे ना म्यूट अनम्यूट, बोलो सर, सर जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था क्या था उसमें, बोलो आप जल्दी बोलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो 4x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 4x माइनस 2y का होल क्यूब, सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर जब उसको पूरा सॉल्व किया था सर, जब वो अपने होल क्यूब में था सर, नीचे फिर होल क्यूब रह कैसे गया, कौन सा क्यूब रह गया, 27x क्यूब और 21 25y क्यूब, क्यूब तो रहेगा ना, क्यूब क्यों नहीं रहेगा, थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब कितना हो गया 27,
अगर मैं आपसे बोलूं x का क्यूब कितना होता है, तो x क्यूब भी तो होएगा, तो क्यूब तो आएगा, क्या लिखोगे वरना? सर ये काउंट नहीं किया था। ओके सर, ठीक है, इसका आंसर बताओ सभी। देखो मैं है ना बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन मेरे को लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे फिर अगर फोर्स टाइम पे करना है तो, क्योंकि आप हर क्वेश्चन मेरे को बताना होता है, आप खुद से कुछ ट्राई नहीं करते हो। अभी जब मॉड्यूल डिस्कशन स्टार्ट होगा वहां सारे क्वेश्चन बताने हैं, तो ऐसे कैसे होगा यार, आप खुद से कुछ ट्राई करो ना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो। एक तो ये है, आपने ये आइडेंटिफाई कर ही दिया होगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप या तो क्या करो, इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक जगह a प्लस बी का होल क्यूब और एक जगह a माइनस बी का होल क्यूब, और बीच में माइनस साइन है, फिर सोल्व कर लेना उसको दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करके। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ये चेक करो क्या यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग रहा है क्या भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब लग रहा है कैसे? इस पूरे को मैं अगर a लेट कर लेता हूँ, अगर इस पूरे को a लेट कर लेता हूँ तो देखो a का क्यूब माइनस इस पूरे को अगर b लेट कर लेते हैं तो b का क्यूब। तो आप दो आइडेंटिटी लगा सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब और एक a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, दो मेथड से कर सकते हो उसको। 16y स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर y, नहीं गलत है, गलत है आर्यमान, वापस चेक करो। तो देखो मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करता हूँ, देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, मतलब ए के प्लस पे कितना है 4x प्लस 2y, ठीक है, और कर्ली ब्रेकेट लगा दो क्योंकि अब हमें लगाना है माइनस, माइनस जहां पे आ जाए वहां थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस कुछ ना कुछ काम बिगाड़ के जाता है क्योंकि, तो माइनस आ गया और फिर बी है तो हमें फिर इसके पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कितना आएगा 4x माइनस 2y, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको पीछे दिखाया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अप्लाई कर दो, देखो 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए कितना है 16y क्यूब प्लस 32x स्क्वायर y, अब भी गलत है, पीछे वाले टर्म गलत है, 16y क्यूब सही है। देखो a इंटू बी कितना होगा 4x प्लस 2y इंटू बी कितना है 4x माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे कितना है 4x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर। ये अभी तो बस मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है, कौन सा वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको देखो थोड़ा सा ओपन करते हैं अपन, यहाँ पे चेक करो, देखो ये माइनस साइन हटाऊंगा मैं, तो 4x प्लस 2y माइनस का 4x प्लस 2y, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, देखो a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, ये कितना होगा 4y स्क्वायर, और कितना होगा 2ab मतलब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 16xy। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ पे अप्लाई कर दो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16xy, ठीक है। मैंने सब जगह आइडेंटिटी अप्लाई करी और कुछ नहीं करा, सोल्व कर लो आप, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको उड़ा दो, ये उड़ गया देखो खत्म, इसके तो पिक्चर ही खत्म हो गई, और ये भी उड़ गया और एक ये उड़ गया, अब जो बचे हुए उनको लिख दो, 2y प्लस 2y कितना हो गया 4y इंटू, देखो यहाँ पे 16x स्क्वायर और 16x स्क्वायर कितना हो गया, और एक बार और 16x स्क्वायर है, तीन बार है मतलब, तो हो गया 48x स्क्वायर, ठीक है, और 4y स्क्वायर, और बस एक ही बार है, एक बार 4y स्क्वायर बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो अब इनको, 48 इंटू 4 ये होता है 192, है ना, 192 x स्क्वायर y, और 4 4 जा 16, और y इंटू y स्क्वायर y क्यूब, तो ये इसका आंसर है। बोलो भाई समझ आया या नहीं आया,
आना चाहिए वैसे तो, कुछ नहीं करा, आइडेंटिटी अप्लाई करिए। आ गया सभी को? बोलो सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया, सर यही तो आ रहा था मेरा, सर बहुत अच्छी था, सर यही आ रहा, प्रीवियस वाला बता दीजिए, सर प्रीवियस वाला बता दीजिए, फिर से समझा, सर प्रीवियस वाला आया था, सर प्रीवियस वाला। अरे मैं एक ही काम करता रहता हूँ, एक काम करता हूँ स्टार्टिंग से प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड लगाता रहता हूँ, ठीक है, इसको लगा के बैठे रहेंगे अपन। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये होगी प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, 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 और ये नेक्स्ट, खत्म। ठीक है यार, आप गजब करते हो, मतलब एक ही चीज कितनी बार बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सेवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले मैं आपको खुद को करने को ट्राई करने को कहता हूँ, वो टाइम आपको मिलता है, उसके बाद जब मैं खुद कराता हूँ वो टाइम आपको पूरा मिलता है, फिर भी आपके पास टाइम कम पड़ जाता है लिखने के लिए, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर कम पड़ जाता है आप स्क्रीनशॉट दे दो, और मैं कह रहा हूँ पीडीएफ मिल जाएगी फिर भी आपको प्रॉब्लम है, बताओ। इसका आंसर दो सभी, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो पहले कौन सी आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, किसी का आंसर आए तो बता देना। सर 322। और किसी का आया? सर 322 इसका आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको चेक करा होगा, आपने पता लगाया होगा ए क्यू प्लस बी क्यूब लग रहा है ना। अगर देखो मैंने ए क्यू प्लस बी क्यूब के आपको दो फॉर्मूला बताए थे, है ना, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से थोड़ा इजी होगा, उसका खुद का जो फॉर्मूला है ना ए क्यू प्लस बी क्यूब वहां से भी आ जाएगा नो डाउट, लेकिन मैंने आपको उसके दो फॉर्मूला बताए थे, हम सेकंड वाला यूज करेंगे उससे थोड़ा इजी होगा। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था ए क्यू प्लस बी क्यूब होता है हमारे पास में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ए है हमारा वो तो एक्स है और बी कितना है वन अपॉन एक्स, ए कितना है एक्स है और बी कितना है वन अपॉन एक्स, चेक कर लो ना एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये तो रहा। तो यहाँ पुट करेंगे, देखो तो ए के प्लस पे कितना पुट करोगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स होल ब्रेकेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया पूरा, x से x कैंसिल हो गया, x प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू दे रखी है अपने 7, तो यहाँ पे पुट कर दो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू, अब देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, बस ये बचा है x प्लस वन अपॉन एक्स, इसके प्लस पे कितना पुट कर दो 7, तो 7 का क्यूब होता है 343, सो 343 माइनस 21, इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 322। ठीक है, आ गया होगा शायद सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा स्पीड पकड़ो बाकी लोग भी, यार ऐसे काम नहीं चलेगा हम, अब तो अपन सेकंड चैप्टर पे आ गए, अब तो स्पीड आ गई होगी आप लोगों की। इसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, इसका आंसर बताओ। और
आया किसी का आंसर? सर 370 सही है। सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 322 ओके सर बताएंगे। एक सेकंड रुको, जिनको आ रहा है वो कर लो, ए बी कैसे निकालेगा वो बताता हूँ अभी मैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके ए बी की फंसी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, बस वही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया था। हमें निकालना क्या है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो a प्लस बी की वैल्यू तो दे रखी है कितनी 10 है ना, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू भी अपने को गिवन है 58। अब लेकिन ab की वैल्यू तो है नहीं, तो कोई बात नहीं ना, हम ab की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो आप अप्लाई कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 10, हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 10। क्या इसका स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? आप इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करेंगे बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और इक्वल टू कितना हो गया 100। ठीक है, आप देखो इसके प्लेस पे तो वैल्यू दे रखी है अपने को कितना 58 प्लस टू ए बी इक्वल टू 100। तो टू ए बी इक्वल टू कितना गया 100 माइनस 58 कितना होता है बताओ? ये होता है अपने पास में 42। तो ए बी निकाल लो यहाँ से कितना आएगा 20 1। तो यहाँ पे पुट कर लो इसको, तो 10 इंटू 58 माइनस 21 ये हो गया अपना 7 और 3, तो 37 इंटू 10 कितना होता है 370। क्लियर है सभी को? ऐसे निकालेंगे इस केस में अभी। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसमें देखना कुछ ना कुछ आपको कंडीशन दे रखी होगी, उससे आप ए बी भी निकाल पाओगे, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं देखो। अब जैसे मैंने आपको कल इसके पहले जो लेक्चर हुआ था ना उसमें बताया था, जैसे 107 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर है ना, और जैसे 97 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर वाले कर लिए थे। अब क्यूब में कैसे करते हैं देखो, क्यूब वाले क्वेश्चन देख लो। इवेल्युएट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक तो निकालो 1002 का होल क्यूब है ना, और सेकेंड आपको निकालना है 993 का, सॉरी 999 का क्यूब। देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यार, आप लोगों को अगर म्यूट करते ना इसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती होगी, मतलब जिन लोगों के रियल डाउट रहते ना जो मेरे को बताने चाहिए वो लोग भी इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब एक साथ बोलते हो ना, तो जिन लोगों के रियल डाउट है वो पूछ नहीं पा रहे, तो इस चीज को आप समझो ना यार, जिन उन लोगों के अगर डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे तो कैसे करेंगे वो, तो इसीलिए आप एक साथ मत बोलो, एक एक करके आपको आंसर देना है, वरना ऐसा ही चलता रहेगा फिर। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला इसमें नया। पूछो, किसी को डाउट है? सर आगे आंसर सेकंड वाले का, सर 997 डाउट वाले का पूछा है। बताओ फर्स्ट का आंसर आया किसी का? सर मेरा आया है। सही है, मेरे को एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर, इसके पुराने के पुराने वाले क्वेश्चन में बताओ क्या डाउट है। इसका आंसर 1000 सर, वो बताने नहीं दे रहा किसी को अपने डाउट। एक बार मेरी बात सुनो, मैं इनके आंसर लिख देता हूँ, चेक कर लेना आप, फिर किसी को पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है क्लियर कर देंगे। 1006012008 इसका आंसर तो ये है, और इसका है 997009999 इसको करवाएं। देखो आपको यहाँ पे इसका आइडेंटिटी का यूज करके करना है ना, तो सर बस आइडेंटिटी लगाना है, मतलब बस एक एक बार करा दीजिए फिर कर लेंगे। 1000+2 लिख दो इसको है ना, और देखो फिर ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर देना आप। कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा मैं इसमें, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, ए क्यूब है ना प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ए प्लस बी, इसको आप सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा है ना, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, 1000-3 कर देना इस बार, और ए माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई कर देना। ठीक है, सॉरी 1 है, मेरे को लगा 997 है, 1 होगा यहाँ पे। ठीक है,
चलो इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या डाउट था बोलो, कोई पूछ रहा था सर इसके पहले वाले में, पहले में बोलो। हाँ सर इसमें ये कैसा है तो सर क्या क्या कैसा है डाउट भूल गए क्या अपना यार, क्या कैसा है ये आप सबको सही लग रहा है, पहले डाउट लग रहा था। चलो कोई डाउट नहीं है फिर आगे चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करो। फाइंड 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब, ये आपको निकालना है। इसका आंसर